हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? लाइट्स ऑन. ओके, एंड मैं अभी तक यहाँ पे काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे. थोड़ा सा काम यहाँ पे मैंने फिनिश किया. अभी मैंने बंद नहीं किया है, शट डाउन नहीं किया है. और आज मैं खाने जा रही थी अगेन सनफ्लावर सीड्स. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सोनिया, आप ये क्यों खाती हो, क्या फ़ायदा होता है इसको खाने से. मिनट खोल लूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे इसमें प्रोटीन एंड फाइबर दोनों होता है, जो कि इस पर मेंशन भी किया हुआ है. ओके, तो और मुझे ये डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया है, इसलिए मैं खाती हूँ. और किसी ने मुझे कहा था कि सोनिया थायराइड में सनफ्लावर सीड्स नहीं खाने चाहिए, तो खाने चाहिए. ऐसा नहीं है कि नहीं खाने चाहिए, खाने चाहिए. मैं जी तो सनफ्लावर सीड्स भी खा लिए, आते हैं अपने काम पे, मतलब लग जाते हैं धंधे पे. और इसी चल रहा है, गेट बंद कर देती हूँ, आवाज़ आ रही होगी आपको. और आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या कर रखा है सोनिया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुझे दिखानी हैं, दिखाती हूँ. ओके, तो साओ नाओ. ओके, तो नाओ एसी इज बंद, आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी. एसी को मैंने बंद कर दिया है फिलहाल अभी, और क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपके और मेरे बीच में, इसलिए. सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, सॉरी गाइस, ये डुगू का बैट है. ओके, हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे दो तीन वीडियो पहले, मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ एक 12-13 सूटों की शॉपिंग करी है, जो कि अभी नहीं, कुछ टाइम पहले की है, लेकिन आपको दिखाई नहीं है, जो कि ऑनलाइन की है. ओके, हाँ, तो मैं वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल एक कुर्ता जो है मैंने पहना हुआ है, जो कि आप मुझे देख सकते हैं. और ये कुर्ता जो है ब्लैक कलर का कुर्ता है, बाजू पे ऐसे डिटेलिंग दी हुई है इसके. ओके, एंड इसके अलावा इसके पूरे नेक पे, यहाँ पे पूरे मतलब मिडिल में पूरी में ऐसे डिटेलिंग दी हुई है, और बाकी का प्लेन कुर्ता है. कपड़ा जो इसका है वो काफ़ी अच्छा कपड़ा है, मुझे नहीं पता इस कपड़े को क्या कहते हैं, बट जो भी है पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, गड़ता नहीं है, चुभता नहीं है बॉडी में, तो अच्छा ही है. और ये जो कुर्ता है फ्रॉम द ब्रांड कॉल आरेलिया, आरेलिया का कुर्ता है ये, और ये मैंने ब्रांड स्टोर पे जाके लिया था. ओके, तो कुछ कपड़े मैंने ब्रांड स्टोर पे जाके लिए हैं, और कुछ कपड़े ऑनलाइन लिए हैं. ठीक है, स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है, बस बहुत ये लगा के लिया था, लेकिन अभी नहीं लिया है, बहुत कुछ टाइम से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है. तो एक एक करके शो करती हूँ. कुछ कपड़े आपने मुझे पहने हुए देख भी लिया है, और कुछ कपड़े आज शायद आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है उन्हें. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एक गिफ्ट आइटम से, जो कि ये है. ये एक गिफ्टेड कुर्ता है, जो कि मेरे बर्थडे पे दर्शन जी ने गिफ्ट दिया है. तो इसको मैंने आपने देखा होगा, बर्थडे पे पहना भी था, क्योंकि जब वो लाए थे तो उनका कहना, मतलब वो चाहते थे कि मैं तुरंत मतलब इसे पहनूं, तो मैंने इसे पहना था, और ये अच्छा लग रहा था बेहद. थोड़ी सी पतली हो जाऊंगी और उसके बाद पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगेगा. ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से. ये वाइट कलर का कुर्ता है, चिकनकारी और गोटा पट्टी, नहीं क्या बोलते हैं इसको, गोटे पट्टी तो बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप देख लीजिए. ये चिकनकारी का कुर्ता है, और इसके ऊपर ये वाली जो डिटेलिंग दी हुई है ना, इसे मैं बोल रही हूँ, गोटा पट्टी वाला के पैचेस जो होते हैं वो चिपकाए हुए हैं, और फुल चिकनकारी सूट है, जॉर्जेट के ऊपर हो रखा है काम. तो ये एक कुर्ता है जो कि मुझे दर्शन देने के दिया था, और इसी कुर्ते के साथ आता है एक प्लाजो और एक दुपट्टा. तो प्लाजो जो है वो ये है येलो कलर का, ये कंट्रास्ट है वाइट सूट एंड येलो प्लाजो. तो जो प्लाजो है वो कुछ ऐसा है, ये बेहद खूबसूरत है, ऊपर से रबर वाला वो दिया है वेस्ट लाइन पे, ताकि दिक्कत ना हो. नीचे से प्लाजो की डिटेलिंग कुछ ऐसी है, इस पर भी सेम वर्क हो रखा है जो सूट के ऊपर हो रखा था, बट बस कलर अलग है. हाँ, सिल्वर वाला पैचेस जो है वो सेम है. तो ये प्लाजो है, और इसके साथ है एक येलो कलर का ही दुपट्टा, जो कि अगेन जॉर्जेट ही है. ये है वो दुपट्टा, ये एक सेट हो गया, ये गिफ्टेड है, मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ. और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको
एक बेहद ब्यूटीफुल सा दुपट्टा जो कि देखने में है तो नेट पे देखने में आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये बस बॉर्डर लगेगा कि अरे यार सोनिया बॉर्डर है इसमें और है क्या इसमें, और जिसका प्राइस भी अप्रॉक्स 700 इस दुपट्टे का प्राइस तो बट जो भी है मुझे बहुत पसंद है, पूरी डिटेलिंग दी हुई है बॉर्डर की और इस तरह से प्रिंट किया हुआ है और ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा नहीं है, जो नॉर्मल दुपट्टे होते हैं उनसे बहुत कम चौड़ाई है इसके, लेकिन बेहद खूबसूरत लग रहा है ये दुपट्टा। इसके साथ का सूट दिखाती हूँ मैं आपको, इसके साथ का जो सूट है वो ये है जो मैंने इसी रक्षाबंधन पे वेयर किया था, तो ये है वो सूट जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इस सूट में भी बीच में अगर आप देखेंगे तो जैसे उस दुपट्टे का बॉर्डर था ना बिल्कुल सेम वैसे ही सीक्वेंस का, सीक्वेंस भी नहीं कहेंगे इसको, जो पतली वाली बिल्कुल किरकिरी टाइप नहीं होती है वो पूरे सूट पे नहीं नेक लाइन पे सीधे सीधे में लगाया हुआ है और बाजू पे उसकी का एक बॉर्डर दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ सूट को, रक्षाबंधन पर पहन चुकी हूँ, इसकी एक दो पिक्चर्स भी है मेरे पास। तो ये है वो सूट, बिल्कुल प्लेन अनारकली सूट है ये, इसमें बहुत अच्छा खासा सा घेरा है, तो ये बेहद खूबसूरत सूट है, अच्छा लगता है पहनने में। और सेम इसी के साथ का ये दुपट्टा है जो कि मैंने दोनों लिया था तो मुझे 1700 के आसपास का पड़ा था, और खाली सूट ले रही थी तो मुझे 900 कुछ का पड़ रहा था, तो दुपट्टे की वजह से काफ़ी महंगा पड़ा लेकिन दुपट्टा बहुत प्यारा है। एक ये हो गया, अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो कि अनारकली सूट है, बेज कलर में है, और ये जो मैंने आपको सूट दिखाया था ना मैं इसका ब्रांड बताना भूल गई, ये अहिल्या ब्रांड से है ये सूट जो है, और ये वाला जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ऐसा वाला, इसकी बाजू पे बहुत प्यारा सा काम हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है। ओके, और ये बेज कलर का है, बिल्कुल सिंपल सूट है, यहाँ पे जो इसकी कमर की पट्टी आती है यहाँ पे इस पर भी इन्होंने बॉर्डरिंग का डिटेलिंग दी हुई है, वो भी बेहद प्यारी लग रही है, और फुल अनारकली सूट है ये, पूरा अनारकली सूट है, और इसके पीछे दिए हुए हैं दो लटकन लट्टू वाले जिससे इसकी शोभा थोड़ी सी और बढ़ जा रही है। और ये सूट है बीबा का, यस ये सूट है बीबा का, तो ये मुझे अप्रॉक्स पड़ा था 3399 रुपीस, 3400 रुपये के आसपास का सूट है ये, बट बीबा के सूट आपको पता है कि अच्छे होते हैं और थोड़ा सा मुझे बहुत सिंपल एंड शोवर लुक ज़्यादा पसंद है, तो उसी टाइप के सूट मैं लेती हूँ या कपड़े लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चमकीले धमकीली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो ये वो सूट है मुझे बहुत पसंद है। और इसके ऊपर मैं सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो दुपट्टा है ना ये इसके ऊपर भी चला जाता है, मतलब इसके साथ भी ये काम करता है, क्योंकि गोल्ड एंड वाइट है ये और सेम ये भी है, तो ये इसके साथ काम करता है प्रॉपर अच्छे से। अब मैं दिखाती हूँ ये वाला सूट जिसमें आपने मुझे देखा हुआ है पहले, अगर आपको याद हो तो, आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो की थी बैक टू सोनिया जो मेरा फर्स्ट वीडियो था फैजाबाद से आने के बाद का, तो उसमें मैंने ये सूट पहना हुआ है, ये ब्लू कलर का, टील ब्लू कलर जो होता है उस कलर का सूट है, बहुत ही यूनिक ब्लू कलर होता है ये, बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसकी जो हाफ क्वार्टर बाजूस होती हैं, ये कहाँ आ गया, इसकी हाफ क्वार्टर जो बाजू होती है यहाँ तक आती है इसकी बाजू, तो ये बाजू भी इसकी बहुत प्यारी है, और इसका जो पैटर्न है वो अंगारखा जो सूट्स होते हैं वो वाला पैटर्न है इसका, और ये बेहद खूबसूरत लगता है मुझे तो पहनने में, बहुत कंफर्टेबल, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सबसे चीज़ फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसका प्राइस आई थिंक 1300 समथिंग के आसपास का था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 1300-1400 के आसपास का सूट था, ये भी अनारकली सूट है और मुझे बेहद पसंद है कॉटन बोल सकते हैं इस फैब्रिक को आप, हाँ कॉटन है, और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगता है पहनने पे, एक स्टाइलिश लुक देता है। अगेन एक सूट ये है फ्रॉम द ब्रांड कॉल, कौन सा ब्रांड है यार ये, संगारिया हाँ संगारिया एक ब्रांड है जो कि बहुत फेमस है मिंत्रा पे, तो वहाँ उस ब्रांड का सूट है ये, और ये भी आई थिंक 1300-1400 रुपये के आसपास का ये सूट है, 1499 लिखा है, बट इसमें मुझे शायद 20% या 10% डिस्काउंट मिला था,
ये वो सूट है, आगे इस पे आगे इस पे इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है और कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है और पहनने में अच्छा है। हालांकि मैंने पहन के देखा नहीं है, बिल्कुल स्टिकर से समझ सकते हैं बिल्कुल नया है, अभी पहना ही नहीं है। तो ये है वो सूट, ये भी अनारकली सूट है बट ये अप एंड डाउन है, पीछे से ये थोड़ा सा लंबा है और आगे से थोड़ा सा शॉर्ट है। तो पीछे जो इसका पिंक कलर का डिटेलिंग दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो अगेन ब्लू कलर इज माई फेवरेट कलर, तो ये वाला सूट भी है। और एक और सूट दिखाने जा रही हूँ मैं आपको, कुर्ती। हाँ ये है खादी वाला सूट जो होता है हमारा, मेरा बहुत फेवरेट कपड़े होते हैं जो सिंपल और सॉलिड कलर के होते हैं। और ये भी ऑरेलिया का ही सूट है। इसमें कि मेरे पास तीन सूट हैं, एक ब्लू है, कलर ब्लू है एक मेरे पास, और एक ब्लैक है, और एक ये हो गया। तो सेम पैटर्न के तीन सूट हैं मेरे पास, तीन कुर्ते हैं मेरे पास। तो इसमें भी ये वाली बाजूज हैं जो यहाँ तक की होती हैं, क्वार्टर बाजूज बोलते हैं, हाफ तो वो वाला था, सॉरी मैंने उसे क्वार्टर बोल दिया ना, वो हाफ था। ओके, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लंबा था। और ये सिंपल कुर्ता है बिल्कुल सॉलिड कलर, और इसका प्राइस 799 और 899 के आसपास था, और मैंने स्टोर से जाके लिया था 899, और इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिला मुझे, ये मैंने स्टोर से लिया था। ये तीन पीस लिए थे, तीनों मैंने स्टोर से लिए, ब्लू, ब्लैक और ये वाला बेज कलर। और एक और कुर्ता है जो कि मैंने लिया था FBB से, और ये सृष्टि, FBB में सृष्टि एक ब्रांड है जिसमें कि जिसकी भी दो चार पांच कुर्तियां मेरे पास हो चुकी हैं, तो उसी ब्रांड की ये कुर्ती है। और ये अगेन 599 के, 600 रुपए की कुर्ती है, मैंने अभी तक एक बार भी पहन के नहीं देखी है, अब कभी ना कभी तो ज़रूर पहनूंगी, ली है तो। ये कुछ ग्रीन कलर की, पिस्ता कलर की जो कुर्ती होती है वो है, और इसके यहाँ पर ये डिटेलिंग दी हुई है बाजू पे और इसके फ्रंट पे, नेक लाइन पे, जिसकी वजह से इस कुर्ती को थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत और बना देता है। तो ये वो कुर्ती है। और इसके अलावा ये मुझे बाय द वे जब अभी सब तय लगा के रखना पड़ेगा ना, फिर एक और काम बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक वाइट सूट, प्योर वाइट कलर, जो मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आते हैं, वाइट कलर, ब्लैक कलर जो प्योर होते हैं, लाइक बिल्कुल सॉलिड कलर जो होते हैं वो। तो ये वो है, और ये है अनारकली कुर्ती। ये कौन से ब्रांड की है यार, कौन सा ब्रांड है यार, ये क्या बांध दिया इसके ऊपर, विशुद्ध मिंत्रा पे अगेन एक ब्रांड है जहाँ से जिसकी ये कुर्ती है, और ये सॉलिड वाइट कलर की कुर्ती, इसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट कलर के प्रिंट हो रखे हैं अगर आप देखेंगे। ओके, और ये अनारकली कुर्ती है। ये कोई भी कुर्ती मेरे नाप की नहीं है, दो चार एक नंबर मैंने छोटा लिया है, और दो चार नंबर बड़े हैं लिए हैं, जैसे कि ये कुर्ती मेरे साइज़ की नहीं, बहुत बड़ी है मेरे साइज़ से, लेकिन मैं बड़े इसलिए लेती हूँ कि इमरजेंसी मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं फटाफट से स्टिचिंग करवाऊँ और पहन लूँ, और छोटे इसलिए लेती हूँ कि एक टारगेट बनाऊँ कि नहीं यार मैंने नए कपड़े लिए हैं मुझे पहनना है, उसके लिए पतला होना है, तो इसलिए। तो ये नारंगली कुर्ती है, ये बेहद खूबसूरत लगेगी यार, इसके साथ में कोई प्रिंटेड दुपट्टा लूँगी, जयपुरी या फिर कुछ, मतलब कुछ भी, या बंधीज वाले जो दुपट्टे जयपुरी होते हैं वो, उनकी बात कर रही हूँ, या फिर पंजाब का ही, जो मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं पंजाब वाले, वो कौन से हैं यार, क्या बोलते हैं उनको, अरे मैं जो पंजाब से दुपट्टे लेके आई थी उन्हें क्या बोलते हैं, फुलकारी वाले दुपट्टे हैं, वो भी बहुत अच्छे से जाएंगे, और बहुत सारे घेर के साथ है ये, मुझे बहुत पसंद था ये सूट, था क्या है, और इस पर 2250 का सूट है, 2249 लिखा है, और शायद ये मुझे 1700-1800 रुपये का पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। तो ये एक कुर्ता और ये है मैंने, इसके बाद एक बहुत सस्ता सूट कुर्ता इस पूरे कलेक्शन में, अगेन विशुद्ध से ये और हाँ विशुद्ध से ये मैंने एक बार भी इसको पहना है ना, नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन सॉलिड कलर है, ब्लैक कलर है ये, और इसका प्राइस था 499 आई थिंक सो, हाँ 499 या 549 ऐसे कुछ प्राइस था इसका, मैंने टैग निकाल दिया है इसलिए मुझे याद नहीं है, बिल्कुल प्लेन कुर्ती है ये। इसके अलावा एक कुर्ती पार्टी वियर भी लिए मैंने,
मतलब पार्टी वेयर तो दो तीन ले ली एक ये मरून कलर में ली है जो कि कुछ ऐसी है देखने में। इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल वाला काम हो रखा है यार, ये देखो ये फूल पत्ती वाले डिज़ाइन जो बने हुए हैं कली वाली, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मरून कलर है, मतलब डार्क रेड कलर जो होता है ये वो कलर है। तो अगेन ये अपने कलर से ब्यूटीफुल हो जा रहा है। बट ये बहामा कल्चर का कुर्ता है जो कि मिंत्रा पे ही एक ब्रांड है, और इस पे मुझे 2999 इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे मिला था 2100 कुछ रुपए का। तो 2100 कुछ रुपए में मुझे ये काम ठीक लगा, मुझे ये मतलब लगा कि हाँ जितना का पैसा दे रही हूँ शायद अच्छा आएगा, क्योंकि सिर्फ कुर्ता नहीं है, इसके साथ नीचे प्लाजो भी मिला है जो कि इसी कलर का है और कॉटन में का प्लाजो है। तो अगेन ये बहुत अच्छा कंफर्ट रहेगा मेरे लिए जब भी मैं इसको पहनूंगी। ये रहा, और नीचे प्लाजो पे भी ये थोड़ी सी। मेरे पास बचा एक लास्ट कुर्ता जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और वो है ये जो कुर्ता है मैंने एक बार भी इसे पहना नहीं है, बस इसका दुपट्टा जो है मैंने दो तीन बार यूज़ किया हुआ है। तो कुर्ता जो है वो प्लेन नेवी ब्लू कलर का है, और इसके नीचे कुर्ता बिल्कुल सिंपल है, बट इसके जो बॉटम में है नीचे की साइड वो बहुत अच्छे इसे क्या बोलते हैं, पॉम्पन बोलते हैं वो लगे हुए हैं जो कि सेम कलर के हैं। और इस कुर्ते की स्पेशलिटी यही है कि ये लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा और बहुत रिच आ रहा है। उल्टा कुर्ता दिखा रही थी, हाँ यहाँ से दिखाएंगे, और आगे पीछे जो डोरी दी हुई है डोरी पे ये भी लगाया हुआ है जो कि इसके दुपट्टे पे भी लगे हुए थे। तो ये है, हाँ प्लेन कुर्ता। अगेन ये मेरा साइज से बहुत बड़ा है और इसकी मुझे फिटिंग करानी है, उसके बाद पहनना है। तो ये है वो कुर्ता, और इसके नीचे पैंट भी दी हुई है, पैंट भी की भी फिटिंग करानी पड़ेगी बिकॉज बहुत लूज आ रही है मुझे ये पैंट जो है, पैंट नहीं है तो पैंट लुक, लेकिन प्लाजो की तरह यूज़ कर सकती हूँ मैं तो इसको, मेरे लूज आ रही है बहुत ज़्यादा, ये इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। और इसका जो दुपट्टा है वो इसकी वो प्रिंटेड है, और वो बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा है, तो जो इसकी इस कुर्ते की मैं चार चांद जिसे कहते हैं ना लगा देना, वो लगा रही है। तो ये दुपट्टा है इसके साथ का। सो ये था मेरा कुर्तों का कलेक्शन जो कि अभी रिसेंटली मैंने बनाया था और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी कुर्ती आपको कौन सी लगी है ये चीज़ आप मुझे प्लीज़ बताना भूलिएगा नहीं, और नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय।